तो अभी तक पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बताओ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के चैप्टर में अभी तक हम लोग ब्रीदिंग को डिफाइन किए, ब्रीदिंग को डिफाइन करने के साथ साथ हम लोग रेस्पिरेटरी ट्री को देखे, है ना। राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रेल्स, नॉस्ट्रेल्स के बाद नेजल कैविटी देखें। नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट था नेजल सेप्टा, है ना, जो क्या करता है हमारे नेजल कैविटी को डिवाइड करता है इंटू टू पार्ट्स। नेजल कैविटी के अंदर तीन स्पेशल रीजन्स भी हम लोग डिफाइन किए, कौन कौन। वेस्टिबुलर रीजन, जहाँ पे ऑयल और हेयर ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो इनकमिंग एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, ट्रैप करता है। फिर रेस्पिरेटरी रीजन, जिसको कि हम लोग एयर कंडीशनिंग जोन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। और तीसरा ऑल्फैक्टरी रीजन, विच इज रिलेटेड टू स्मेल। उसके बाद हम लोग देखें कि ये जो नेजल कैविटी है, दैट लीड्स टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर्स का काम क्या होता है, नेजल कैविटी को कनेक्ट करना किसके साथ, फेरिंग्स के साथ। फेरिंग्स को हम लोगों ने डिफाइन किया था एज द कॉमन ओपनिंग फॉर द फूड पाइप एंड द विंड पाइप। और फिर उसके अंदर हम लोग तीन रीजन को डिमार्केट किए थे, कौन कौन, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स एंड लैरिंगो फेरिंग्स। फिर हम लोग देखे थे लैरिंग्स, विच इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, जो कि बना होता है कितने कार्टिलेजेस का, 9 कार्टिलेजेस का। और ये जो कार्टिलेजेस होते हैं उनमें 3 पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे वोकल कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, कितने पेयर्स, 2 पेयर्स ऑफ द वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट, 1 पेयर इज ट्रू एंड 1 पेयर इज, क्या काम है दोनों का, ट्रू पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर रिलेटेड टू द साउंड प्रोडक्शन एंड द फॉल्स पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड जो है वो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखें ट्रेकिया, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ट्रेकिया फिफ्थ थोरेसिक लेवल वर्टिब्री पे जाके ब्रांचिंग शो करता है, एंड ट्रेकिया के ब्रांचिंग को क्या कहते हैं हम, ब्रैंकियोल्स, ब्रोंकस या ब्रोंकस, और ब्रोंकस के ब्रांचिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। तो कुल मिला के हम लोग रेस्पिरेटरी देखें, विच फाइनली लीड्स टू द बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड आवर लंग्स, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, है ना। तो आज हम लोग लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने, लंग्स का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। लंग के स्ट्रक्चर के बारे में पिछले क्लासों में जो हमारी बात हुई थी कि लंग्स जो है वो हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है ना। पोस्टीरियरली मतलब कि हमारे बॉडी के डॉर्सल साइड से लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, वर्टिब्रल कॉलम। यू कैन ऑल्सो एड रिब्स, मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम तो एक तो सेंटर में मार करके मतलब कि सेंट्रली उसको प्रोटेक्ट करता है, बट पीछे से जो साइड वाला हिस्सा है लंग्स का, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। तो वहां पे ऐड कर सकते हो वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। लैटरली ऑल्सो, लैटरली में सिर्फ रिब्स लिखेंगे, ठीक। डोर्सली अगर लिखे तो वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। वेंट्रली अगर बात करें तो स्टर्नम एंड रिब्स। और अगर लैटरली बात करें तो सो डॉर्सली प्रोटेक्टेड बाय laterally only ribs। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सरफेस है मतलब एक तो ये साइड मार्क कर लो और दूसरा ये साइड, मतलब कि थोरेसिक कैविटी का एक लोअर इंड भी होगा, एक तो डोर्सल इंड हो गया हमारे थोरेसिक कैविटी का, एक हो गया वेंट्रल इंड, तो एक इंटीरियर इंड भी होगा और एक पोस्टीरियर इंड भी। इंटीरियर इंड हमारे थोरेसिक कैविटी का कौन सा होगा, ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला रीजन, और नीचे वाला हिस्सा थोरेसिक कैविटी का जो होगा उसको क्या कहेंगे, दैट इज द पोस्टीरियर एंड। तो पोस्टीरियरली तुम देख सकते हो कि लंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, डायफ्राम। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि पोस्टीरियरली
पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? मसल्स है एक्चुअली, वो है ना। और अगर बात करें एंटीरियरली, तो एंटीरियरली हमारा लंग्स किससे प्रोटेक्टेड होता है? एंटीरियरली स्टर्नम से तो वेंट्रली प्रोटेक्टेड है ना, क्लैविकल। एग्जैक्टली, इसको क्लैविकल इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया लंग्स के बारे में, जो रिब केज है, जहाँ पे रिब केज के अंदर जो लंग्स प्रेजेंट है, तो उसके चारों तरफ से कौन से स्ट्रक्चर उसको प्रोटेक्ट करते हैं वो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो हमारा लंग्स जो होता है ना, तो लंग्स के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं प्लूरा। कौन सा? प्लूरा वर्ड या पल्मो वर्ड जो अगर यूज होना कहीं पे, तो समझ जाना इट इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ लंग्स। अब हमारा जो लंग्स है, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये दो लेयर्स में प्रेजेंट होता है। और इनका काम क्या है, इन मेम्ब्रेन्स का? इनका काम है लंग्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो आई एम नॉट मेकिंग इट फ्रॉम द ऑल द साइड, मतलब कि जो स्ट्रक्चर मैंने रेड और येलो यहाँ पे बनाया है, वो लंग्स को हर साइड से सराउंड कर रही होंगी। एंड दीज आर नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इनको? प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक। क्या फंक्शन है इनका? प्रोटेक्शन करना। तो प्लूरल मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ से प्रेजेंट है ना, यानी येलो वाली लाइन, इसको हम लोग कहते हैं पेराइटल प्लूरा। क्या कहते हैं? पेराइटल प्लूरा। और ये जो रेड वाली लाइन है, यानी कि रेड वाली जो कवरिंग है, इसको हम लोग कहते हैं विसरल प्लूरा। और पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में एक स्पेस तुमको दिख रहा है, तो यहां पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज इंटरप्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं? इंटरप्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम है दोनों मेम्ब्रेन के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से ये जो फ्लूइड है, कौन से किस फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम? इंटरप्लूरल फ्लूइड। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इस फ्लूइड का अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा, और उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्लूरिसी। क्या कहते हैं? प्लूरिसी। अब देखो हमारा जो लंग है ना, सो दिस इज, बताओ तो ये राइट लंग है या लेफ्ट लंग है? देखो हम लोग कभी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी को जब पढ़ते हैं ना, तो ऐसे पढ़ते हैं लाइक वी आर स्टडिंग इट आवर ओन बॉडी। तो राइट और लेफ्ट पार्ट हम लोग डिसाइड करेंगे जैसे हमारे अंदर प्रेजेंट है, ठीक। तो ये हो गया हमारा राइट पार्ट ऑफ द लंग, राइट लंग, और ये हो गया हमारा लेफ्ट लंग। तो हमारा जो लंग है ना, तो लंग के सरफेस पे एक्सटर्नली जब तुम देखोगे, कुछ गड्ढे जैसे लाइंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड एज, उनको कहते हैं फोरोज। क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये जो फोरोज है, ये हमारे लंग्स को तीन लोब्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। और तो तीन लोब जो हमारे राइट लंग के हो गए, दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर लोब। दिस इज मीडियन लोब एंड दिस इज इंफीरियर लोब। अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें, एक्चुअली ये जो डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है ना, इनको हम लोग कहते हैं फिशर्स। क्या कहते हैं? तो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फिशर। फिशर्स आर बेसिकली ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे लंग के एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे लंग्स को हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो लेफ्ट राइट लंग की बात करें, तो राइट लंग पे दो फिशर्स प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर। इनका जो नाम रखा गया है
वो इनके ओरिएंटेशन के बेसिस पे रखा गया है। तो दो लोब्स जो हमारे राइट लंग के अंदर दो फिशर्स प्रेजेंट है, जो हमारे राइट लंग को कितने लोब्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं? तीन लोब्स के अंदर। कौन कौन? सुपीरियर, मीडियन एंड इन्फीरियर लोब। वहीं पे अगर हम लोग बात करें लेफ्ट लंग की, तो वहाँ पे सिर्फ एक फिशर प्रेजेंट है। और पोजीशन के बेसिस पे क्या नाम इसका दे सकते हैं बताओ? ओरिएंटेशन के बेसिस पे इसका नाम क्या हो सकता है? हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक? ऑब्लिक। सो ओनली लेफ्ट लंग के ऊपर ओनली ऑब्लिक फिशर इज देयर। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें लेफ्ट लंग की, तो लेफ्ट लंग के ऊपर कितने लोब्स प्रेजेंट होंगे? दो। कौन कौन? सुपीरियर एंड मीडियन, सॉरी इन्फीरियर। तो ये तो हो गई लंग्स के लोब्स की बात, है ना। यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हो ये डोम शेप स्ट्रक्चर, दीज आर आवर डायफ्राम। अब ये जो प्लेस आप देख रहे हैं दोनों लंग के बीच का स्पेस, दिस स्पेस इज नोन एज मीडियास्टेनम कहते हैं। और यहाँ पे हमारे लेफ्ट लंग के ऊपर ये जो डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, नॉच जैसा स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? कार्डियक नॉच। तो ये था लंग के स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि ये जो लंग्स हैं, आई मीन ट्रेकिया जो हैं, ट्रेकिया ब्रांचिंग शो करती है। ट्रेकिया के इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं? ब्रोंकस, है ना। और ब्रोंकस इनसाइड द लंग्स शोज ऑन ब्रांचिंग एंड कीप्स ऑन ब्रांचिंग, तो क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्री का फॉर्मेशन होता है ना। रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर हम लोग दो जोन के अंदर पूरे रेस्पिरेटरी ट्री को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन वो जोन होता है विच इज ओनली रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, है ना। लेकिन अगर बात करें रेस्पिरेटरी जोन की, तो रेस्पिरेटरी जोन के अंदर एक्सचेंज होता है गैसेज का बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, है ना। लंग्स से CO2 जो होता है, आई मीन ऑक्सीजन जो होता है, वो मूव करके जाता है ब्लड की तरफ, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मूव करके जाता है लंग्स की तरफ, जिसको कि हम फाइनली क्या करते हैं? एक्सहेल कर देते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हायर लेवल की ब्रांचिंग होगी, और जितने भी ब्रांचेस होंगे दैट ब्रांचेस विल फाइनली लीड टू अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि आप क्या कहते हैं? एल्वियोलाई, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं दैट इज एल्वियोलाई। एक बार अगर हम लोग देख ले इसको आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो यू कैन सी हियर कि हमारा जो लंग्स है, सो दिस इज ट्रेकिया। ट्रेकिया ब्रांचिंग शो कर रहा है, और सारी ब्रांचेस जो है ना वो एंड में जाके बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो रही है, और ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है इनको क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। एंड एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो हम लोग बात करते हैं एल्वियोलाई की। मीन्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्री के जितने भी ब्रांचिंग्स हैं, दैट ब्रांचिंग फाइनली टर्मिनेट्स इनटू एल्वियोलाई। अगर नंबर की बात करें, सो नियर अबाउट 300 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई
आर प्रेजेंट इन आवर बोथ लंग्स, दोनों लंग्स को मिला के नियर अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। और इनके सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया अप्रॉक्सीमेटली 70 to 100 meter square, मतलब कि जितने भी एल्वियोलाई प्रेजेंट है उनके अंदर जो सरफेस एरिया है उसको आप अगर एक्सपैंड करके छोड़ दो जमीन पे, तो दैट विल मेक एन एरिया, दैट विल कवर एन एरिया अप टू इक्विवेलेंट टू योर टेनिस कोर्ट, है ना। तो ये जो सरफेस एरिया इतना हाई प्रोवाइड करता है किस लिए प्रोवाइड करता है, ताकि गैसेस का एक्सचेंज काफ़ी इफिशियंटली हो सके। अब एल्वियोलाई के बारे में बात करें तो एल्वियोलाई आर मेड अप ऑफ न्यूमोसाइट्स, किसके बने होते हैं ये, न्यूमोसाइट्स। एल्वियोलाई का सरफेस एरिया मतलब लंग्स का सरफेस एरिया अप्रॉक्सीमेटली वही होता है। तो न्यूमोसाइट्स जो होते हैं, तो न्यूमोसाइट्स आर दो सेल्स जो कि क्या कर रहे हैं, एल्वियोलाई को बना रहे हैं। और न्यूमोसाइट्स होते हैं दो टाइप के, टाइप वन न्यूमोसाइट्स एंड टाइप टू न्यूमोसाइट्स। डिफरेंस है, ये जो हम लोग डिफाइन करते हैं न्यूमोसाइट्स को कैटेगराइज कर रहे हैं इंटू टू कैटेगरी, टाइप वन एंड टाइप टू, इट इज़ बेस्ड ऑन दियर फंक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें टाइप वन न्यूमोसाइट्स की, तो दीज आर इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज। और बात करें अगर टाइप टू न्यूमोसाइट्स की, तो टाइप टू न्यूमोसाइट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एक प्रकार के सर्फेक्टेंट को फॉर्म करने में, दैट सर्फेक्टेंट इन इज लेसिथिन। लेसिथिन क्या है, आगे चल के जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग लिपिड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। और लिपिड्स के अंदर जब कंजुगेट लिपिड्स की बात होगी तो एग्जाम्पल उसके अंदर हम लोग लेंगे लेसिथिन का। ये लेसिथिन हमारे लंग्स के अंदर कौन बना रहा है, टाइप टू न्यूमोसाइट्स। और ये क्या काम करता है, ये काम करता है एक सर्फेक्टेंट का। क्या मतलब है सर्फेक्टेंट का, जैसे कि आप जब बैलून से, किसी बैलून से एयर निकाल देते हो, उसको इन्फ्लेट कर देते हो, तो क्या होता है, बैलून के जो वॉल्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, है ना। और जब इनर वॉल्स बैलून का अगर वेट हो तो उनके वॉल काफ़ी स्ट्रांगली चिपक जाएंगे, है ना। सेम केस पॉसिबल है हमारे एल्वियोलाई के केस में। तो ये जो सर्फेक्टेंट होता है वो क्या करता है, एल्वियोलाई के इनर वॉल्स को आपस में चिपकने से बचाता है, है ना। एक तरीके से हम कहें तो हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाने का काम कौन कर रहा है, सर्फेक्टेंट, है ना। हमारे एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से ये बचा रहा है। ट्रिप्सिन के रोल को हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन में, ठीक है, वो इम्फाइसिमा में पढ़ेंगे। चलो हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की। देखो तो हमारा जो एल्वियोलाई है ना, तो एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज की नेटवर्क प्रेजेंट होती है। मीन्स एल्वियोलाई आर सराउंडेड फ्रॉम ऑल इट्स साइड्स बाय अ रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। क्यों ये सराउंडेड होगा, लेट्स से कि दिस इज, वी आर मेकिंग एल्वियोलाई, तो इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स जो होंगे ना वो इसको हर तरफ से सराउंड कर रहे होंगे। ब्लड कैपिलरीज इसको हर तरफ से सराउंड कर रही होगी। क्या पर्पस हो सकता है ब्लड कैपिलरीज का एल्वियोलाई को सराउंड करने का, ताकि गैसेस एक्सचेंज ईजली हो सके। अब एल्वियोलाई की बात करें
तो एल्वियोलाई आर बेसिकली मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, सो यहां पे हम बना रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम का लेयर जो एल्वियोलाई के वॉल पे प्रेजेंट है, जिसको कि हम लोग एल्वियोलर एपिथेलियम कहते हैं। और ये जो ब्लड कैपिलरीज है जो सराउंड कर रहे हैं किसको, एल्वियोलाई को, तो ब्लड कैपिलरीज जो एल्वियोलाई को सराउंड कर रही है उनके इनर वॉल पे भी स्क्वैमस एपिथेलियम का लेयर प्रेजेंट होता है, और ब्लड कैपिलरी के इनर वॉल पे जो स्क्वैमस एपिथेलियम का लेयर प्रेजेंट होता है बता सकते हो क्या कहते हैं उसको, यस दिस इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम। एंड इन दोनों के बीच का ये स्पेस, मतलब कि जब लेट्स से कि ऑक्सीजन जो है जो आपने इनहेल किया है दैट इज एंटरिंग इनटू योर एल्वियोलाई, है ना, तो उस ऑक्सीजन को जाना कहाँ पे है, ब्लड में जाना है, और ब्लड क्या करेगा उस ऑक्सीजन का, उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, है ना। तो यानी कि ये जो ऑक्सीजन जो आपने इनहेल किया है इट हैज फाइनली मूव टू द ब्लड, और जो ब्लड है वो क्या करता है उसको ट्रांसपोर्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड को, सो दैट आप एक्सहेल करके क्या करो उसको अपने बॉडी के बाहर ले जा सको, है ना। तो यहां पे जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, तो एक्सचेंज के दौरान जब गैसेस एल्वियोलाई से जा रही है ब्लड में या ब्लड से एल्वियोलाई में, तो एक्सचेंज के दौरान कितने लेयर्स को क्रॉस करना पड़ रहा है गैसेस को, तीन लेयर को क्रॉस करना पड़ रहा है। सबसे पहले एक लेयर हो गया एल्वियोलर एपिथेलियम, है ना, उसके बाद इन दोनों के बीच का स्पेस व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। तो ये जो तीनों लेयर हो गए बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहां पे एल्वियोलर एपिथेलियम एंड इंडोथेलियम, तो ये तीनों मिलके बनाते हैं क्या, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज दैट लेयर, दोज लेयर्स जिनको क्रॉस करके गैसेस जो है वो डिफ्यूज कर रहे हैं, है ना, याद रखना हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ड डिफ्यूज कर रहे हैं। डिफ्यूज करने का मतलब कि ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड ये पैसिव प्रोसेस है, है ना, मीन्स यहाँ पे कोई एक्सपेंडिचर एनर्जी का नहीं होता है, क्लियर है। तो गैसेस जो है अपने ग्रेडियंट को या ये पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए मूव करती है कहाँ से कहाँ, एल्वियोलाई टू ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड कैपिलरीज टू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में कौन सी गैस जा रही है, ऑक्सीजन, और ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोलाई में CO2, क्लियर है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को बनाते हैं, नंबर 1 एल्वियोलर एपिथेलियम, द एंडोथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, दीज आर फॉर्मिंग रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई, यानी कि ऑक्सीजन का मूवमेंट फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड कैपिलरीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू एल्वियोलाई, ये होता है डिफ्यूजन से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, या फिर इसको हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कह सकते हैं। तो ये जो गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है तो ये एक पैसिव प्रोसेस है, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड लिखा डिफ्यूजन, यानी कि ये जो एक्सचेंज गैस का हो रहा है वो एक पैसिव प्रोसेस है, और पैसिव प्रोसेस जो है वो होता है बेस्ड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द गैस, है ना।
और गैस के केस में कंसंट्रेशन को हम लोग पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में ना एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे गैसेस के पार्शियल प्रेशर को अलग अलग लेवल्स पे दर्शाया गया है ना। हम लोग एक बार उस टेबल को देख लेते हैं। हम लोग इस टेबल की बात कर रहे हैं जहां पे आप देख सकते हो कि रेस्पिरेटरी गैसेस का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर, एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर दिया गया है। जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का जब नीट में कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये एग्जामिनर्स का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स होता है, जहां से अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से फॉलोइंग रीजन में ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो एक बार हम लोग एक ट्रिक देखेंगे छोटा सा, जिससे आपको ये टेबल मेमोराइज हो सके। तो हम लोग यहां पे एक टेबल बनाएंगे। पहले तो हम लोग दो नंबर लाइन फॉर्म करेंगे। एक नंबर लाइन पे हम लोग लिखेंगे 40 40 40 40, और दूसरे नंबर लाइन पे 104 95, देन 40 एंड देन 104 45 95 45। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे ऑक्सीजन के लिए और दूसरा टेबल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और फिर हम लोग लिखेंगे ए डॉट। अब हम लोगों को यहां पे लिखना है ए इज फॉर एल्वियोलाई, डी इज फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओ इज फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टी इज फॉर टिश्यू। ए डॉट लिखने के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे इस टेबल ए के साथ। तो ये जो 40s की वैल्यू है ना, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और इसको एक क्रिस क्रॉस पैटर्न में लिखते चले जाएंगे। एंड देन हम लोग इस सेकेंड टेबल को लेंगे और उसको भी क्रिस क्रॉस पैटर्न में लिखते चले जाएंगे। तो इस तरीके से इस टेबल को मेमोराइज किया जा सकता है। राइट इट डाउन। हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 760 mm ऑफ एचजी,
ना, और उसके अंदर जो आप देखोगे ऑक्सीजन जो हमारे एटमोसफेयर के अंदर है वो कितना परसेंट है, 21% अप्रॉक्स है ना। तो 760 का जब आप 21% निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी दैट विल कम अप्रॉक्स 159 mm, यानी कि ऑक्सीजन के कारण जो पार्शियल प्रेशर है ना, ऑक्सीजन के कारण जो पार्शियल प्रेशर एटमोसफेयरिक एयर में, या फिर हम यू कहें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इनटू द एटमोसफेयरिक एयर, दैट इज 159 mm ऑफ HG। इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो 159 के अप्रॉक्स आएगा। वहीं पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज पता है, तो इट्स योर होमवर्क कि निकाल के देखो और क्या वो आपके NCERT के डाटा से मैच करता है या नहीं, है ना। तो ये तो था अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड गैसेज के ट्रांसपोर्ट के बारे में।